गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और आज हम जो डिक्टेशन लिखने वाले हैं वो डिक्टेशन रहेगी न्यूज़पेपर की, एक जनरल पैसेज रहेगा और स्पीड जो रहेगी वो एग्जैक्ट नहीं रहेगी, 100 के आसपास रहेगी। थोड़ी कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर ये तो 100 की नहीं थी, 105 की थी, 95 की थी, 110 की थी। तो थोड़ा अगर कम ज़्यादा हो तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम वर्ड्स को काउंट करके नहीं बोलते, जनरली बोलते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकता है। तो कोशिश यही है कि 100 की रहेगी। सो बी रेडी फॉर द डिक्टेशन, स्टार्ट। इंडियाज फार्मर्स अनलाइक प्रोड्यूसर्स इन अदर सेक्टर्स लैक डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस एंड हैव नो एक्टिव रोल टू प्ले इन एग्रीकल्चरल कमोडिटी वैल्यू चेन्स डिस्पाइट देयर क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी स्टॉक द मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स स्टिल सेल देयर प्रोड्यूस एट द फार्म गेट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू मार्केट्स स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स स्टॉक द एवरेज डेंसिटी ऑफ रेगुलेटेड होलसेल मार्केट्स इन द कंट्री इज ओवर 450 स्क्वेयर किलोमीटर्स अगेंस्ट द ऑप्टिमल डेंसिटी ऑफ अराउंड 80 स्क्वेयर किलोमीटर एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2004 स्टॉक। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स डू नॉट फाइंड इट इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट देयर लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ प्रोड्यूस टू डिस्टेंट रेगुलेटेड मार्केट्स स्टॉक हेंस दे सेल इट एट द फार्म गेट टू मार्केट इंटरमीडरीज देयर बाय लॉसिंग देयर बार्गेनिंग पावर टू डिमांड ए रेमुनरेटिव प्राइस स्टॉक। कॉन्सिक्वेंटली फार्मर्स रिमेन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कमोडिटी वैल्यू चेन्स एंड कंटिन्यू टू रिसीव ए लो शेयर ऑफ द कंज्यूमर रुपी स्टॉक द एवरेज शेयर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स इन द कंज्यूमर रुपी इवन इन कमोडिटीज विद लिमिटेड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट लाइक फूड ग्रेन्स इज लिमिटेड टू द रेंज ऑफ 45 to 69% अकॉर्डिंग टू ए स्टडी पब्लिश्ड इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन जनवरी 2024 स्टॉक द शेयर फॉल्स टू 30 to 40% इन द केस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्टॉक एनेबलिंग फार्मर्स डायरेक्ट लिंकेजेस विद एग्रीकल्चरल कमोडिटी वैल्यू चेन्स कैन बेनिफिट देम इन टू वेज इंक्रीज देयर शेयर इन द कंज्यूमर रुपी थ्रू रिड्यूस्ड मार्केट इंटरमीडरीज एंड हेल्प देम गेन इंफॉर्मेशन ऑन द चेंजिंग कंज्यूमर डिमांड एंड क्वालिटी प्रेफरेंसेज देयर बाय अलाइनिंग देयर क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेज अकॉर्डिंगली स्टॉक द एडवांसेज इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कैन प्ले ए कैटेलिटिक रोल बाय एस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस बिटवीन फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स लाइक प्रोसेसर्स ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स स्टॉक। इन सिंपल टर्म्स ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स और मार्केट्स स्टॉक। द वाइड स्प्रेड पेनिट्रेशन ऑफ द मोबाइल नेटवर्क एंड द इंटरनेट अक्रॉस द कंट्री हैज एनेबल्ड द आउटरीच ऑफ ई कॉमर्स ओवर द पास्ट टू डेकेड्स स्टॉप द सप्लाई चेन डिसरप्शंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक एक्सिलरेटेड द यूज ऑफ ई कॉमर्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड स्टॉक। कॉन्सिक्वेंटली द ई कॉमर्स मार्केट इंक्रीज्ड रैपिडली एंड रीच्ड अबाउट
20% of the total global sales in 2021 stop. It is expected to reach about 25% by 2025, according to McKinsey and Company stop. The Indian e-commerce market has also risen rapidly, registering a compound annual growth rate of about 27% in the past 5 years stop. It is expected to reach $350 billion by 2030 as estimated by the India Brand Equity Foundation, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry stop. चलिए अच्छी डिक्टेशन है, एक दो वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी अच्छी डिक्टेशन है और एग्जाम ओरिएंटेड पैसेज होते हैं न्यूज़पेपर में हमेशा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं आप, और इसका जो जो पिक्चर है, इसकी इमेज जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो थैंक यू सो मच।